नमस्कार, हर सच्ची खबर के साथ आप देख रहे हो आपका अपना चैनल स्मार्ट इंडिया डायल। लायलपुर खालसा कॉलेज में आज कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जहां सरकार के आदेश हैं कि सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, उसके बावजूद भी खालसा कॉलेज में इतनी भीड़ देखने को मिली, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं रखा गया और न ही कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई प्रबंध किए गए, जिसकी वजह से कोरोना फैलने का बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। कॉलेज प्रशासन की लापरवाही की वजह से स्टूडेंट की जिंदगी पर खतरा हो सकता है। जलंधर से सुनील कुमार की विशेष रिपोर्ट। इतने भाजी की प्रॉब्लम है, इदा कोरोना की धज्जियां उड़ाई जा रही है वा। इतने कोरोना नहीं हो रहा, कॉलेज उदा बंद किया हुआ इन्होंने। भाई देखो, दो तीन दिन तो पिछले चार पांच दिनों तो लगातार इतने रश पै रहा फीस लिए, क्योंकि सरकार ने जो स्कॉलरशिप फीस भेजी है मेरे ख्याल में थोड़े दिन पहला भेजी है, हम कॉलेज वाले ने प्रेशर किया हुआ कि 26 तरीक 27 तरीक लास्ट आ, इतने स्टूडेंट इन्ने आए हुए हैं, कोई इतने सैनीटाइजर का कोई प्रबंध नहीं कॉलेज प्रशासन वालों, ना कोई इतने हदायत इदा नहीं है कि ना कोई स्टूडेंट सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करता पे। देखो तेरे सामने ही है, मास्क भी नहीं पीने लाए है, कि वो कॉलेज का इस टाइम गलत प्रबंध है, कुछ वधिया इन्हों करना चाहिए, नहीं तो इदा का कोरोना का होर फैलना खतरा है, स्टूडेंट की लाइफ में खतरा है।